बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम चिल्ली पोटैटो की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। हमने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, कच्चे आलू लिए हैं, और उसे हमें ऐसे पील कर लेना है, छील लेना है, ऐसे कट कर लेना है, और ऐसे कट करके हमें इसकी फ्राइज़ बना लेनी है। जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर ऐसे सारे आलू को कट करके ले लिया है। अब इसे ऐसे कट करके हमें एक बाउल में पानी शामिल कर लेना है और उसमें ये शामिल कर लेना है। ठंडे पानी में इसे शामिल करके अब इसे छान लेना है। छन्नी में निकाल कर फिर इसे 5 मिनट रख कर ऐसे बाउल में निकाल के अब 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर लेते हैं, 3 टेबल स्पून मैदा शामिल कर लेना है, और नमक शामिल कर लेना है 1/2 टेबल स्पून, और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें एक एक फ्राइज़ शामिल करते हुए इसे ऐसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए, ये फ्राइज़ अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, ऐसे क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करके हमें एक छलनी में निकाल लेना है। छलनी में निकाल लेंगे और सारे फ्राइज़ ऐसे ही फ्राई करके हमें निकाल लेना है। यहाँ पर फ्राइज़ तैयार हैं। अब हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैदा लेंगे और 2 टेबल स्पून पानी शामिल करके ऐसे मिक्स कर लेते हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ले लेते हैं, 2 टेबल स्पून खिसा हुआ लहसुन ले लेते हैं, और उसमें ये 2 हरी मिर्चों को शामिल कर लेना है, 1 प्याज को लंबाई में कट करके शामिल कर लेना है। और यहाँ पर कुछ मैंने वेजेस लिए हैं, शिमला मिर्च, गाजर और लाल शिमला मिर्च ली है, इसे कट कर लेना है और इसे शामिल करके मिक्स कर लेना है। 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर लेना है, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस शामिल कर लेना है, और इसे हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम यहाँ पर ये जो हमने स्लेरी बनाकर रखी थी मैदे की और पानी की, इसमें शामिल कर लेना है। अब ये फ्राइज़ को हम इसमें शामिल कर लेते हैं। अब इसे ऐसे मिक्स कर लेते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स शामिल कर लेते हैं और 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल कर लेते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार चिल्ली पोटैटो या पोटैटो चिल्ली बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।